फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे मॉर्निंग तो देख लिया आपने, जाकर ढेर सारे फिश खरीद के लेकर आए। उसको अभी क्लीन करूंगी, बहुत टाइम हो गया है। अब ब्रेकफास्ट भी बन गया है और अभी टाइम हो रहा है 10:35। कहाँ है घड़ी? यस 10:35। मामून का तो आज स्कूल नहीं है, मामून का तो क्लास नहीं हो रहा है, पर बाबू का हो रहा है। उसका सैटरडे रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास। और यहाँ पे हबी बैठ के मंकी कैप पहन के मंकी बन गए हैं। कुछ कर रहे हैं, उनका सैटरडे होता है ना, उनका टूल बॉक्स निकाल के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज क्या काम हो रहा है? आज कुछ कर हो रहा है क्या? पाइप, हाँ ये थोड़ा पाइप ना, पानी इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसको अभी रेडी कर लेंगे। ये कर लेते हैं, छोटा मोटा काम तो नहीं, ऑल इन वन। उसको अंदर से वो फिल्टर रहता है, जाम हो जाता है, तो उसको से खड़ करके नहीं और क्या, क्लीन कर लेंगे। अच्छा क्लीन, हाँ। क्या लाया हुआ आज, दिखाओ। हाँ वही दिखाती हूँ। और बाबू का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बाबू का प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। हाँ दिखा देती। वो बोला मामा मेरा प्रोजेक्ट दिखा, और मामून उसको हेल्प कर रही है करने में। मुझे आता है। क्या हो रहा है मामा? ये डक, हाँ तो डकलिन। अच्छा डकलिन, ये है बाबू का डकलिन। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखो, ये अंदर छुप जाता है, छुप नहीं जाता है, रुक जाता है, नहीं फंस जाता है। हाँ फंस जाता है, ये फंस जाता है। तो बस इसको ऐसे तो किया ना, ठक ठक ठक, वही तो बोल रही थी कि क्लीन करना है तो हो जाता है। इसको बैंडेड कर रहे हो? वाह, अभी अच्छा आया ना, देखो बिल्कुल नहीं आ रहा था ऐसे अच्छे से। लाओ 200 रूपए। ओके ठीक है, बाकी का खाता में लिख लेना। अब मैं करूंगी फीस क्लीन, और ये रहा सारे फीस, निकालूंगी एक एक। ये है कौन सा फीस, इसको बोलते हैं हम लोग काना कुर्दा बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं क्या, भंगड़ा। यस भंगड़ा, ये है भंगड़ा पीस। इसको तो खट्टा मीठा देकर बनाती हूँ मैं, बहुत दिन से बनाई नहीं हूँ। ये वाला ऐसे अंदर पूरा क्लीन हो गया है, पर ये होल ही बनता है। और है के कतला, अब आया कतला के बारे में। ये है कतला माच्छो, भाकुर माच्छो। ये रहा कतला फिश, आउट बड़ा था कतला ये वाला। और यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली का बेटी बिल्लू। बिल्ली का बेटा बिल्ली, बिल्लू का बिल्ली का नहीं नहीं, बिल्ली का बेटा बिल्ला, और बिल्ली का बेटी बिल्ली 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 बिल्ली। और मामा और एक प्लेट दो, आ गया। और ये आ गया बिल्ला। बिल्ला बिल्ली दोनों यहाँ पे है। ये रहा प्लेट, इसमें सारा अब मैं रखूंगी। और एक आया क्राब, क्राब और पॉम्पलेट। पॉम्पलेट बोलते ना, पॉम्पलेट बोलते इसको, पॉम्पलेट। अच्छा पॉम्पलेट, पॉम्पलेट मैं तो पापलेट भी बोल देती हूँ। क्राब भी आया है, ब्लू क्राब। बाबू यहाँ पर आ जा मम्मा, इसका बहुत फेवरेट है ब्लू क्राब और पॉम्पलेट, इसका फेवरेट। पॉम्पलेट आया है, पॉम्पलेट क्या बना हुआ आज, पॉम्पलेट ना क्राब, पॉम्पलेट फ्राई कर कल। ओके कल क्राब बनेगा, संडे आज सैटरडे बनेगा पॉम्पलेट फ्राई।
और अब इसको क्लीन करती हूँ पूरे फीस और क्राप सबको। इतना ही तो आया है और कुछ आया है नहीं, और कुछ नहीं। चार टाइप का आया है, कातला वो ये है क्या, भांगड़ा और ये पॉम्परेट और क्राप। ये रहा मेरी ये वीक का फीस कलेक्शन, कतला फीस और ये क्राब और भांगड़ा फीस और ये है पॉम्परेट। आज ये पॉम्परेट फीस बनेगा, ये कब कब बनेगा ये वीक में देखते। और ये सबका फेवरेट फीस, मैं ये सारे फीस को रखूंगी फ्रिज में सिर्फ इसको छोड़ के। अब मैं ये दाल तो यहाँ पे हो गया है, वहां पे राइस बिठाए और हब्बी के लिए आज सिंपल सा बैंगन फ्राई करूंगी या बैंगन मसाला करूंगी, बस पूछूंगी जो बोलेंगे वो कर दूंगी। और हमारी भी ये पॉम्परेट फिश, पहले ये पॉम्परेट फिश को मैरिनेट करके 10 मिनट रख दूंगी, उसके बाद तवा फ्राई करूंगी। पहले कर लेते हैं फिश का मैरिनेशन। पहले फिश के ऊपर नींबू एक निचोड़ लेंगे, फिर इसमें चिल्ली पाउडर डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे। चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, हम तो ज़्यादा तीखा खाते हैं इसलिए ज़्यादा डाली हूँ, और नमक स्वाद के अनुसार। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो भी 3-4 स्पून चाहिए, अच्छे से कोट होना है फिश के ऊपर। अब अच्छे से फिश को कोट कर लेंगे अंदर तक, वो जब कट लगाए उसके अंदर अंदर भी भरेंगे मसाला। फिर ऐसे 10 मिनट रख देंगे पूरा मसाला लगा कर, पूरा अच्छे से इसको मालिश करेंगे अंदर तक। ये देखिए अंदर अंदर मैं भर रही हूँ, ऐसे ही भरना है। अब बस रख देंगे, अभी 10-15 मिनट रख देंगे। और ये रहा फिश का मैरिनेशन। फ्राई करने के टाइम में थोड़ा सा से ऊपर से सूजी हल्का सा लगा के फ्राई करूंगी, और ये कुंदरू और आलू का फ्राई होगा हबी के लिए। दाल तो हो गया है, हाँ नहा के आगे अभी, और अभी दूंगी हबी को, कट करेंगे मेरे लिए वेजिटेबल। यहाँ पे बालकनी में धूप आता है ना, यूटिलिटी बालकनी तो नहीं यूटिलिटी, यहाँ पे बैठकर मैं भी थोड़ा बैठ जाऊंगी, यहाँ पे धूप आता है। और आज टेरेस में भी गए थे, छत में नहीं गए, नहीं वो गए बहुत दिन के बाद। यस यस पिलर और नाइफ,
यहाँ पे बैठ गए अभी अपने काम के लिए, वेजिटेबल चॉपिंग करने के लिए। आलू जो खाएगा, जो जो चीज खाएगा वो उसका काम करेगा, उसका काम करेगा। सुनो, ये आलू को ना ज्यादा पतला नहीं करना, उसको कुंदर को पतला कर देना, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं सेकेंड पार्ट करूंगी। अब मैं थोड़ा सा सूजी लूंगी और ये जो फिश को मैरिनेट करके रखी थी, अब इसको अच्छे से सूजी के ऊपर कोट कर लूँगी। इससे वो जो फिश में क्रिस्पीनेस आएगा और ये भी अच्छा लगेगा, फ्राई जब करेंगे ना तब बहुत अच्छा लगेगा। और ये पॉम्फ्रेट फिश बनाने का एक अच्छा रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाला रेसिपी को। थोड़ा सा मतलब स्मेल भी ज़्यादा नहीं आता है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो, क्योंकि सी फूड वैसे भी थोड़ा सा स्मेल ज़्यादा होता है ना, पर इसमें नहीं होता है, बहुत अच्छा लगा था। गुड आफ्टरनून ना सिद्धि के लिए, गुड मॉर्निंग। वाह नहीं, वो भी उठ गई, नहा लिया ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सिद्धि, अभी आ गई है। नहीं कपड़े बदला तो नहीं, नहीं नहाएगा, ठंडे लग रहा है। हाँ कोल कोल है ना। और यहाँ पे है अन्नु, अन्नु भी, अन्नु का मेरा मैचिंग मैचिंग नहीं, पिंक पिंक नहीं, रेड है। अच्छा मेरा ही पिंक है, मेरा भी रेड है, रेड और रानी कलर, रेड और रानी कलर, पिंक कलर, पिंक लेट, पिंक लेट। अब मैं फर्स्ट कुंदरू वाला आलू को फ्राई कर दूंगी अभी के लिए, और पहले सरसों का तड़का लगा दूंगी तेल गर्म होने के बाद। और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, प्याज थोड़ा सा बस फ्राई होने के बाद उसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी, फिर अच्छे से मिला कर इसमें डालूंगी मैं पटाटो। पटाटो को बस 1 मिनट ऐसे ही फ्राई करूंगी, आधा से 1 मिनट, उसके बाद डालूंगी कुंदरू। और वहाँ पे मैं फिश को रखी हूँ सेट होने के लिए, सेट हो गया है जो सूजी के ऊपर लगाई थी कोट, अभी मैं उसको भी फ्राई कर दूंगी। अब थोड़ा सा नमक डाल दूंगी फ्राई में, फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर लेके अच्छे से मिला दूंगी। अब डाल दिया इसके अंदर कुंदरू, कुंदरू भजा तो मेरे घर में सबको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, रोटी के साथ चावल के साथ मेरा फेवरेट है सब्जी में कुंदरू, परवल, गोभी, ये सबको तो पसंद होता है। फिर अभी डाल दिया चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, हम तो ज़्यादा तीखा खाते इसलिए 2 स्पून आँख बंद करके मैं डाल देती हूँ सब्जी के अंदर। अब मैं यहाँ पे बिठाऊँगी मेरी पॉम्फ्रेट फिश फ्राई, बहुत ही यम्मी बना था, आप ज़रूर बनाइए। मैं सरसों का तेल से फ्राई की हूँ, आप अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे तो फिश हमेशा सरसों का तेल से ही पसंद है। और हम लोग खाना भी सरसों का तेल से ही खाते हैं, क्योंकि आदत है ना, जन्म से तो नहीं, जैसे 1 साल के बाद ही मैं खाई होगी फिश शायद पर पसंद है मुझे। अब ये हो गया, बात करते करते मेरा फिश भी फ्राई हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बन रहा था, बहुत ही यम्मी 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 बना था, सिर्फ दाल चावल और ये फिश फ्राई, वाह मस्त लगा था, मस्त। अब हो गया है मेरा फिश फ्राई, ये देखिए अब कुंदरू फ्राई भी हो चुका है, अब सबके लिए खाना लगा दूंगी। और ये रहा आज हमारा लंच, पॉम्फ्रेट फ्राई और कुंदरू आलू भजा, ये तो अभी का प्लेट है, दाल चावल भजा। देखो कैसा हुआ, चलो साथ में साथ में। हाँ मैं दे देती हूँ बच्चे को। और ये अच्छा बना, अच्छा बना, ले ले मम्मा फीस ले ले, एक और बाबू का फीस दे दे मम्मा। ये रहा बाबू का ऑमलेट, अच्छा है, खा लेना। मम्मी को दे दो ऑमलेट पे, ये ओके ओके, अने एक ही कोई दे भी ओके कोई। और ये रहा हमारा आज फीस फ्राई।
मस्त लग रहा है पॉम्पलेट 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 नहीं देखा भाई इसका बीच से काटा निकाल देना बस हाँ मतलब मैं निकाल दूंगी ठीक है नहीं हो रहा ऐसे नहीं ऐसे नहीं हो रहा है छोटा है एक निकल गया ना बस वहां पर रख दो वो साइड में ओके और यहाँ हो रहा है फुटबॉल खेल और वहाँ पे पूरा कपड़ा पड़ा है मैं भी बैठ के फोल्ड करूंगी कपड़े को अब मैं जाऊंगी चाय बनाऊंगी अन्नू को बुलाई वो भी आ रही है चाय बनाना है चाय बना के पीते पीते ये सारा कपड़ा अभी फोल्ड करूंगी मैं गुड इवनिंग मैडम सोई थी मैं भी अभी भी उठा 10 मिनट का उठ के ब्रश की हाँ कपड़ा जल्दी लेकर आ गई बारिश हुआ नहीं बोला था बारिश हुआ क्या नहीं हुआ ना मैं तो हाँ इसलिए कल आया था ना बारिश इसलिए मैंने को बोला रात को कितनी गजब की बारिश थी रात का तुम्हारे मेरे दो क्या हो गया नहीं चाय स्पीड में लगा गया स्पीड में स्पीड में लगा इतना अब गैस पहुंचूंगी वो जो पफीस आज इतना स्मेल हो रहा है इतना स्मेल अभी भी हो रहा है हो रहा है ना तुमको तो और ज्यादा होता है पफीस कातले अंदर आते सी पीस तो नहीं खा पाती वो रोहू कातला ओके तो खाया उस कल पर ये सी पीस का और मुझे किचन में इतना स्मेल आ रहा है पता है हाँ, और आज कितना 4-5 टाइप का फिश लेकर आई ना पूरा क्लीन की ना कितना भी मैं साफ कर रही हूँ किचन को और वो जो पॉम्परेट फिश इतना स्मेल आज पूरा किचन में इसलिए मैं बोली ट्यूशन मैम को अंदर लेकर बिठा नहीं तो वो सांस रू दो देंगे वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं नहीं उनको ज्यादा सी फिश खाते हैं खाते हैं पर फिर भी अच्छा नहीं लगा सी फिश खाते हैं तो इतना चारों तरफ से कैसा दिखता है मुझे देखो पूरा आज फीस का क्या है पूरा मेरा ना ये बंद नहीं हो रहा है इतना क्या नाम है किसका क्या नाम कौन सा फीस कैसा दिखता है मैं ये देखना चाहती हूँ चलो लेकर आओ एक मैं दिखाती हूँ तुमको उसको फीस दिखाऊंगी मेरा आज इतना भर गया कतला फीस का हेड है अच्छा डर ना जाए कतला पूरा क्लीन करना पड़ता है पूरा कर दे इसका बास्केट भी निकल गया कवर लेकर आ जाओ तो उसको ढक दो बड़ा बड़ा है ना पूरा वो आज फीस देखेगी ये कतला फिश हाँ ये निकल गया तो पूरा हेड एक साथ बनेगा हाँ। इसको कट करके बनेगा नहीं नहीं मैं एक साथ ही बनाती एक साथ ही बना पक जाता है हाँ ये 5 मिनट में पकड़े हेड खाओगे खाते हो इसका नहीं कुछ नहीं मैं चिकन बनाऊंगी ना तो चिकन खाओगी हम लोग खाते है ना फिश जन्म से ये क्राब नजदीक छू के देख लो ये क्राब का ले गए नहीं देखूंगी ये क्राब है ब्लू क्राब अब इतना स्मेल आ रहा है ना सच में पूरे घर में मार्केट बन गया मैं ये हुई चली और उसमें एक कतला ये इसमें कतला हो गया भारी है तो वो क्या था ये कतला का हेड है ऑनली अच्छा और दो में हेडी बस है अच्छा। इसमें पूरे अच्छा ये बंगड़ा
बंगड़ा भांगड़ा ना क्या बोलते हैं भांगड़ा फिश, ये भी सी फिश है। तो इसको ये भी क्या फ्राई होके बनेगा? ये फ्राई हाँ कटेगा बीच में? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे होल ही बनेगा क्योंकि छोटा है ना। हाँ। इसका थोड़ा सा बड़ा साइज आता है, दो पीस। तो इसको क्या डीप फ्राई करना पड़ेगा? डीप फ्राई भी करो, शैलो फ्राई भी कर सकते। हाँ शैलो फ्राई करके ही मैं बनाती हूँ। सब्जी बनेगी इसकी? हाँ सब्जी नहीं, इसका करी बनेगा। ये तो सब्जी का अंदर नहीं जाएगा, इसका बनेगा खट्टा मीठा। देख रहे हैं आंबिलो बोलते हैं हम, मच्छा आंबिलो। ये फिश में अच्छा बनता है मच्छा आंबिलो। पूरा दीदी नहीं आते, कौन सा क्या क्या कैसा कैसा। चलो फिश खाई नहीं पहली बार, सब देख रही है पर उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नहीं, वो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ये सब मतलब हमारा शान है, रोहू कातला भाकुर माछ, मतलब रोहू को बोलते रोही, रोही बोलते। ये सुंदर दिख रहा है, ये सुंदर, ये तो राजा है, ये सुंदर इसका राजा हम लोगों का तो ये जान है। ये रोहू कतला है? रोहू कतला नहीं, कतला है रोहू, इस तरह से आता है। अच्छा, पर वो वही बोलते है, इसको बोलते भाकुर मतलब कतला। इसका हेड बड़ा होता है। अच्छा, ये इसका हेड था? हाँ ये इसका केबल हेड था। पूरा एक वीक का स्टोरेज कर दिया है यहाँ, हर टाइप का फिश लाके किसी को भी रिक्वायरमेंट हो तो किसी से कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो। चलो बैग एक रखो। हाथ इतना तुम्हारा तीन दिन तक स्मेल रहेगा, तुम बस सुन सुन के चावल खा लेना चावल का प्लेट ले लेना, सुन लेना बस टेस्ट टेस्ट अपना आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली, इतना फ्रेश सामने तुम्हारा बेटा। मुड़ी खाओगे अनु? मैं सुन तो चाय में मुड़ी डाल दूंगी, सोच रही चाय कितना बिस्किट हम दोनों के लिए। अच्छा। उठा लो बिस्किट का डिब्बा, दो ले लो हाथ से भैया, खुश हो गए बिस्किट इतना सारा मिल गया, ये मिल गया बिस्किट वो भी खा लिया। एक मिनट तो खुशी नहीं रहने दिया, सेकंड में खुशी छीन लिया, वो खुश हो गए इतना सारा बिस्किट, बिस्किट हम दोनों के लिए। और ये कपड़े का पहाड़ पड़ा है अब, जो मैं इसको भी बैठ के फोल्ड करूंगी, पहले चाय पी लेते। अरे सबसे मुझे गंदा काम यही लगता है पता है, कपड़ा फोल्ड करना। ये बिस्किट भी दे दिया है, शायद कोई सोचेगा कि माँ अभी को बिस्किट नहीं दिए, खुद ही दिखा दी हूँ कि तुमको दी चार बिस्किट। वही तो बोल रहा हूँ, कैमरा इस तरफ घूमेगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्लेट नहीं जाएगा, इतना भी बदनाम मत करो माँ, उसको हमने लेकर आए थे करके। हाँ देखो अभी भी कह वहाँ पे, जब तक तुम जब नहीं खाओगे ना, जब तक कैमरा घूमेगा मैं खा लेता हूँ। ये माँ इतना देखो कितना बदनाम कर रहे हो। ब्लॉग एडिटिंग हो रहा है अब, जाएगा आज, जाएगा क्या ब्लॉग आ जाएगा। अभी तो थोड़ा हम लोग रात में ही हो रहा है टाइमिंग छोड़ने के लिए, आराम से बैठ बैठ के करते है फुल टाइमिंग लेके। अरे खा लो नहीं तो बोलोगे की वो ले लिया, वो खा कर ही मैं कैमरा को बस। ये देखो फ्रेंड्स सब ने सब बिस्किट खा लिया, अभी ने अभी मैं कैमरा को यही साइड घुमा सकती हूँ। अब चाय पीना हो गया हमारा, अब बैठ के करेंगे, बैठ के करूंगी ये फोल। तब से बोल रही हूँ 15-20 मिनट हो गया, अभी ना इसको देख के ना मुझे नींद आ रहा है, इसके ऊपर ही सो जाऊंगी लगता है ये। अच्छा, कपड़ा सच में। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यही पेंट करती हूँ, फिर कल संडे को बनेगा एक नया ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स। अभी जी थोड़ा यहाँ पे देख के बाय कर दीजिए, टोपी के साथ टोपी बाय बाय। और बिस्किट में खाया, रश्मि नहीं ली बिस्किट है, एक एक पैकेट खाती हूँ मैं ही, दो बिस्किट या एक बिस्किट चाय के साथ खाती हूँ मैं, खाती नहीं है पूरी नहीं है आय राम। और ये रही अन्नू, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।